हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रिय सर विद्यापीठ के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की रेमेडियल दी है या फिर सेकंड सेमेस्टर की रेगुलर एग्जामिनेशन डिग्री की दी है, जो आपकी आज खत्म हुई है या फिर पहले खत्म हो गई थी, तो आज का ये सर्कुलर आपके लिए बहुत आईएमपी होने वाला है। और पेन और पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि आपको मैं थोड़ी दो तीन चीजें नोट करवाऊंगा, तो वो आपको नोट भी करनी है। अगर ये नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर आप ही हमें बताओगे सर मेरे साथ ये हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल के ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रिय सर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप हमारे कोई भी सेकंड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट नहीं थे, तो उस थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए। जो पहले से ही ज्वाइंट है, उसमें ग्रुप के नाम को हमने सेम टू से सेम थ्री कर दिया है। तो मैं चलता हूं सीधे जीटीयू की वेबसाइट के ऊपर। जीटीयू के वेबसाइट के ऊपर जाए तो ऑनलाइन मार्क एंट्री का आपका सर्कुलर है मिड सेमेस्टर का। इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये सर्कुलर जो है उसमें बेटा काम का क्या है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की रेमेडियल दी है या फिर रेगुलर और रेमेडियल सेकेंड सेमेस्टर की दी है, तो आपकी मार्क एंट्री की डेट 20 अगस्त है। मार्क एंट्री की डेट आपकी बेटा 20 अगस्त है, जो मार्क एंट्री आपके टीचर करेंगे, टीचर लॉक करेंगे 5 तारीख को, 5-9 को, क्लियर। और आपको कब मार्क देखने को मिलेंगे, आपके मिड सेम और वाइवा के मार्क 6-9 से लेकर के 8-9 तक। तो 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख नेक्स्ट मंथ में आपके मार्क देख सकते हो स्टूडेंट पोर्टल में लॉग इन करके। अब यहां पे बेटा आपको कोई गलती लग रही है तो आपको क्या करना है, आपके टीचर्स को बताना है, आपके टीचर्स उसमें अपडेट करेंगे 9, 10, 11, 12 चार दिन में, और उसको वापिस लॉक कर देंगे। तो यहां पे आपके मिड सेम के मार्क में कभी कभी गड़बड़ घोटाड़े हो जाते हैं, 20 के 2 हो जाते हैं, 30 के 3 हो जाते हैं, तो ये टीचर करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से एरर हो सकती है। लेकिन वो एरर को चेंज करने के लिए ही जीटीयू ये सर्कुलर देती है। फिर बाद में ऐसा मत बोलना कि सर मैं मिड सेम और वाइवा में पास था, मेरे को तो फेल किया। तो ये खास ध्यान रखना, और ये वीडियो आपके क्लास में सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर बार ये भूल जाते हैं, और बाद में जब उनके कम मार्क आते हैं तब वो हमें मैसेज करते हैं, फिर जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद बेटा कुछ नहीं होता। आपकी कॉलेज वाले जीटीयू को मेल करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहां पे जो करना है वो आपको कर देना है। तो 6 तारीख से 8 तारीख नेक्स्ट मंथ में आपके मार्क देख लेना। अगर कोई चेंज है तो 9 तारीख से 12 तारीख में आपके टीचर को पर्सनली मिलके मार्क चेंज करवा के लॉक कर लेना। अब ये मार्क आप कहां से देख पाओगे, तो ये लिंक यहां पे अवेलेबल ही है, ये रही स्टूडेंट लिंक। ये लिंक आप क्लिक करोगे वेबसाइट में जाकर के, जीटीयू की वेबसाइट में चले जाना। वेबसाइट में आप जाओगे तो वहां पे सर्कुलर में चले जाना, इस लिंक को बेटा आप क्लिक करोगे तो सीधे आप आपके मार्क के ऊपर इस तारीख में पहुंच जाओगे। अब इस तारीख को 6 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग में मार्क नहीं दिखते, थोड़ा टाइम जाने देना 10-11 बजे का, फिर आपको आपके मार्क दिखेंगे। और अगर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, 3 बार ऐसा सर्कुलर आया था, 3 बार डेट चेंज हुई थी, तो अभी तो हम यही डेट मान के चलते हैं। अगर वापस कोई सर्कुलर आ जाता है डेट चेंज का, तो हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर बताएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जा सकते हो, प्रिय सर विद्यापीठ में हमने इसकी पूरी पीडीएफ रख दी है। डेट बेटा कहीं पे सेव कर लेना, मोबाइल में नोट्स में रिमाइंडर डाल लेना, ताकि डेट्स आप भूल ना जाओ। तो मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, वीडियो जरूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।